मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज क्या है ना, कांड हो चुका है। एक्चुअली कल से पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सारे लोग पाइप से पानी पीते हैं, जो नल से पानी आते हैं वो पीते हैं। तो कल से पानी नहीं है एंड आज हम लोग का नाला भी पूरा सूखा हुआ है। एंड आज ब्रश जो है ना, इतनी थोड़ी सी बाटी वाले पानी को बस मुँह थोड़ा सा खुला किया एंड उसके बाद वही बाटी से बस मुँह से धुलाया एंड बॉडी जो है ना वो पूरा स्मेल वाला, बिकॉज कल पानी नहीं मिला एंड पसीना पसीना हो चुका था। तो पंखा लगा के मैं ऐसे ही सो गया। ये पाइप जो है ना पूरा सूखा हुआ है एंड यहाँ से कल से पानी नहीं मिल रहा है। एंड हम लोग का ये भी है, ये पाइप भी, ये दोनों पाइप पूरा सूखा हुआ है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ पानी लेने के लिए। ये है और मैं हूँ, अब दोनों पानी बुकने जाने वाला है। कहाँ जाएगा पानी बुकने पता नहीं, वहाँ कहीं एक जगह में पानी आ रहा है मुझे सुना है। सो वहीं पे चलते हैं। चलिए, ताला कहाँ है दीदी? ओके, हम मिल गए। चप्पल ले लिया। कल से पानी नहीं आ रहा है तो भाई अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तक नहीं बनाया है पानी नहीं होने के कारण, एंड बर्तन थाली तक भी नहीं धुलाया। झोला में बोतल है एंड ये भी भाई। भाई इसका चप्पल ना भाई मुझे बहुत ही पसंद आ गया यार। ये लड़का आदमी हो गया भाई, लड़की का चप्पल पहनते हुए चल रहे यार, गजब है भाई। ये है इंडिया का टैलेंट। तुम जाओ और बुला के लाओ हेमू भैया, ठीक है? पानी भराने जाओ, जल्दी तोड़ के जाओ। अब हम लोग को पानी जो है ना वो इस घर से लेना है, बिकॉज यहीं पे ओनली पानी लेने के लिए जगह है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा लोग भी पानी ले ही रहे होंगे। माजा का बोतल, फंटा, ये तेरी बोतल यार, क्या क्या यहाँ पर हुए हमारे पास। तो फाइनली हम लोग अभी बोतल से मतलब भरा के हम लोग ठीक हो गए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पानी भी ले चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। एंड ये भाई लल्लू भाई, ये भी मेरा हेल्प कर दे रहे हैं पानी के लिए। एंड ये मेरा बैग में सबसे ज़्यादा पानी है, उसका बस एक जग और दो तीन बोतल मैंने रख दिए। सो इसे घर में पहुंचा के आते हैं और एक बाल्टी भी फुल करना है भाई इसी बोतल से पानी भराते हुए। तो देखेंगे आज कितने बोतल ले जाके फुल होते हैं बाल्टी। तो गाइस फाइनली अभी हम घर पहुँच चुका है एंड रख दिया। एंड हाथ देखिए कैसा हो चुका है हम लोग का, चेहरा देखो कैसा हो। ओके, तो अभी इसे हम पानी को भरने वाले हैं, उसके बाद इस पे कितना बोतल है पूरा काउंट किया जाएगा एंड कितना बोतल पे वो बाल्टी फुल होते हैं वो पता चलेगा हम लोग को। गाइस ये हम लोग का बाल्टी है एंड बाल्टी में भी हम लोग पानी फुल करने वाले हैं, बोतल हिसाब करने वाले हैं कितना बोतल पे घुसते हैं, आधा लीटर का कितना और बड़ा बोतल का कितना घुसते हैं हमें अभी पता चलेगा। तीन बोतल है, 11 बोतल जो छोटे वाले और बड़े वाले हमारे पास 1 2 3 4 5 है हम लोग के पास। 14 बोतल्स पे यहाँ पर आधा बाल्टी पानी घुसता है। सो और एक बार लाएंगे तो भाई ये बाल्टी फुल हो जाएगा एंड अब हम लोग दीदी को हेल्प करना चाहेगा बिकॉज बर्तन थाली जो है यहाँ पर बहुत सारा पूरा। गाइस अभी हम लोग का सेकेंड टाइम पानी लेने आया है हम लोग, तो पानी लेने के बाद फिर जाएंगे भाई। आज का दिन जो है ना यहीं पे हेरा फेरी होने वाला है पूरा, यहाँ से घर, घर से यहाँ। घर का मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट प्लेन जो है ना हम लोग का वो देखिए भाई, ये अरुणाचल का प्लेन है यार। तो अरुणाचल का प्लेन तो उड़ गया भाई, तो इसका बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। तो इस पे ना ज़्यादा नहीं हो सकता, इसमें बस 20 पैसेंजर ही इसमें बैठते हैं एंड आपको फ्लाइंग विंग में जाके आप इसे सर्च करिएगा, वहाँ में सारा टिकट्स आप बुक कर सकते हैं वहाँ से। एंड अरुणाचल भाई तेजू से लेके आप गुवाहाटी का मज़ा ले सकते हैं भाई। और एडवांस अगर आप बुक करोगे तो भाई लो प्राइस में होगा एंड जितना दिन छोटा होगा उतना ज़्यादा प्राइस होता है, तो 4000 के आसपास चला जाता है शॉर्ट दिन में। एंड आप लंबा खींचोगे, एक हफ्ता या दो हफ्ता तक अगर आप खींचोगे इस चीज़ को, डे को, तो भाई आपको कम मिलने वाला है। तो बस अभी का जो टर्म है ना, सेकंड टर्म में क्या चाहिए, दोनों बैग को उठा रहा है, ये कब तक उठाएगा भाई बाहुबली ही के क्या है पता नहीं यार। जी हम लोग का सेकंड टाइम है एंड सेकंड टाइम में बाल्टी फुल हो जाएगा। सो हम लोग का ये वाला बाल्टी हो चुका है फुल एंड अभी हम लोग करने वाले हैं बाहर के बाल्टी के साथ मस्ती। एंड अब है हम लोग का ये थर्ड टाइम एंड इस बार हम लोगों ने बाल्टी भी लाया। तो हम लोग का बाल्टी कहाँ है? ये लास्ट टाइम है ना? ये लास्ट टाइम है। तो हम लोग का लास्ट टाइम में हम लोग बाल्टी भी लेके आए साथ पे।
तो गाइस हम लोग का यहाँ देखिए बाल्टी बहुत भारी है, इसको भी भारी लग रहा है आज, तो हम लोग को चेयर अप करेगा ताकि ये बाल्टी ना जल्दी से घर पहुँच जाए। यार एक्सचेंज करना पड़े यार, मैं थक गया, बहुत भारी लग रहा है यार पानी बोतल में, थक गया यार पूरा। यहाँ पे जो करेला है ना, तो इस पर हम लोगों ने ना दिमाग लगाया कि जब करेला ज़्यादा बिटर हो ना, जब ज़्यादा तीखा हो जाए ना, तो उस पर हम लोग नमक डाल देंगे। तो उस पर नमक डालने से क्या होता है ना, उसका तीखा जो है ना एकदम 30-35% जो है लेस हो जाता है तीखा, एंड इसे फ्राई करके खाने में यार बहुत ही मज़ा आता है, तीखा नहीं लगता है। फर्स्ट पर्सन जा चुका है एंड हम लोग का सेकेंड, एंड अभी हम लोग हार्ट वाला एंड वहाँ टर्न बाई टर्न हो रहा है सबका पानी, एंड हम लोग ये हम लोग का लास्ट होगा शायद, है कि नहीं? Yes. लास्ट होगा ना? हाँ, उसका रिफ्लेक्समैन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिफ्लेक्समैन। रिफ्लेक्समैन मिलेगा यार इसको। तो कोई बात नहीं, फटाफट पानी भरा, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्समैन करने जाएगा ना। आओ रिफ्लेक्ट करे। हार्ट वाला एंड वहाँ टर्न बाई टर्न हो रहा है सबका पानी, एंड हम लोग ये हम लोग का लास्ट होगा शायद, है कि नहीं? Yes. लास्ट होगा ना? हाँ, उसका रिफ्लेक्समैन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिफ्लेक्समैन। रिफ्लेक्समैन था, एंड ये हो चुका है फुल, और अब हम लोग का पानी बुकने का काम जो है वो खत्म हो चुका है। एक्चुअली बात ऐसा हुआ ना, पानी नहीं आने का कारण ये है कि वहाँ ऊपर में कहीं जेसीबी से खुदाई किया था, तो वहाँ पे जो मेन पाइप है ना वो टूट चुका है, इसके कारण अब वो पाइप कितने दिन में मेंटेनेंस होगा उसका पाइप का कुछ पता नहीं है। सो लगभग मुझे 2-3 दिन शायद यही करना पड़ेगा होगा। सो शायद हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। आज का अंदर में भी बन सकता है या फिर कल का अंदर में भी हो सकता है। एंड ये मेरा चाय, ये लो तेरा रिफ्लेक्समेंट, ये मेरा रिफ्लेक्समेंट। हाँ यार बहुत ही बढ़िया चाय भाई, इतना बढ़िया मेहनत के बाद यार चाय कैसा लग रहा है? चाय मजा है। चाय को क्या बोलते? टी। रिफ्लेक्समेंट रिफ्लेक्समेंट मिल गया। सो गाइस इसका रिफ्लेक्समेंट इसको मिल चुका है एंड मुझे मेरा रिफ्रेशमेंट मिल चुका है। तो गाइस अभी फाइनली देखिए यहाँ पे हम लोग का पानी का पाइप जो है ना वो टूट चुका है, एंड यहाँ एक पाइप बिखर चुका है एंड दूसरा पाइप जो है वो इस तरह बिखर चुका है, फूटा मिला है यहाँ टूटा हुआ है। यार ये कब तक बनेगा कुछ पता ही नहीं है अभी, तो घर में यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो जैसे भी खोद गए तो इसके कारण ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है 24 आवर्स के अंदर में ये बनने वाला है। फाइनली अभी हम लोग का यहाँ में प्लम्बर वाला भैया लोग भी पहुँच चुका है यहाँ में और पाइप चेक कर रहे हैं टूटा वाला, देखिए बोला। गाइस फाइनली गाइस हम लोग का पाइप जो है वो बन चुका है एंड अभी ये देखिए पानी आ रहा है पाइप से, देखिए पानी भर गया एंड ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी जो है निकल रहा है, इट मीन्स पाइप बन चुका है, अब हमें आराम मिलेगा। सो गाइस अभी हम लोग मेहनत करने के बाद पानी वानी भरने के बाद अब हम खाना खाने वाले हैं। खाना यहाँ है एंड यहाँ पर भाई ये मीट का चटनी है, नींबू एंड ये सब दाल एंड यहाँ करेले जो मैंने आपको करेले में दिखाया ना नमक डाला था, अब इसका बिटरनेस ना बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। सो ये हम लोग का करेला, ये हम लोग का वो चटनी नींबू एंड ये खाना भाई, ये सुबह का खाना है एंड वो अभी फ्रेश बनने वाला खाना। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो मेरा वीडियो में इतना ही, वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा और फिर से अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब दबा दीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आ चुका है भाई, तुम खाना खाएगा ना? हाँ। खाएगा ना? रिफ्लेक्स में नहीं चाहिए ना तुमको?